अन्नपूर्णनाथ। आपका नाम है? 12 पर्व होते हैं, जैसे एक जाति के सारे बिरादरी होते हैं, उसी तरह नाथ संप्रदाय के 12 पर्व होते हैं। इस धरती पे 4 संप्रदाय हैं। आपने इनके साथ में अघोर क्रियाएं सीखी हैं अभी तक? नमस्कार, मेरा नाम है बंटी परियार और आप देख रहे हैं भक्ति है हमारे चैनल। अभी तक आपने अघोरी तांत्रिकों से जुड़ी हुई वीडियो मिलती रहती है और काफ़ी सारी देखी भी है। आज मैं बैठा हूँ वेस्ट बंगाल के तारापीठ कोलकाता में। यहाँ शमशान को क्या महाशमशान अपने आप में प्रसिद्ध है और जागृत है माँ तारा की कृपा से। कहानी बहुत बड़ी है, पहले भी कई बार कहानी बता चुके हैं, लेकिन आज एक अघोरी महिला कह सकते हैं कि जो कि अपने इंडिया में तो आप देखते ही हैं, इंडिया से बाहर भी अपने सनातन धर्म की जो चर्चा है वो अपने देश से बाहर भी है, उसके बारे में आज जानेंगे। साथ में एक महाराज जी भी हैं जो कि सारी चीज़ें देखते हैं, करते हैं, बताते हैं किस तरीके से होता है सनातन धर्म क्या है, क्योंकि इंडिया से जो बाहर होते हैं उनको नहीं पता अपना सनातन धर्म किस तरीके से। जो महाराज जी हैं आप देख रहे हैं साथ में बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं। पहले हम महाराज जी के साथ में ही बातें करेंगे। महाराज जी जय माई की जय मात। अच्छा महाराज जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप जो सनातन धर्म को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, तो अभी तक आप जो सिखा रहे हैं इनको अघोर पंथ से सिखा रहे हैं या अलग से सिखा रहे हैं? ये अघोर एक कहा जाता है कि अघोर है। हाँ, इसे अघोर एक नाथ संप्रदाय की क्रिया है। हाँ, अघोर नाम ऐसे अवघर ही अघोर क्रिया है, ये आदि अनादि से प्रथा चली आए, जो कि हमारे सिद्ध गुरु संत महात्मा आदि अनादि से करते हुए चले आए, साक्षात स्वयं शिव ने भी शुरू किया है। तो उसी प्रथा को हमारे आज के डेट में देखा जाए तो कोई रियल अघोर नहीं, लेकिन क्रिया है, क्रिया रह गई है। उस क्रिया को हमारे संत महात्मा जो भी तपस्वी साधु है वो करते हैं। अच्छा, तो अभी तक आपने जो इनको क्रियाएं बताई है या अघोर के बारे में बताया है, क्या क्रियाएं भी ये जानती हैं? हाँ, हमारे नाथ संप्रदाय की जो क्रिया है, मर्यादा है, वो बड़ी भली भांति से जानती है। चलो, उनसे जानते हैं ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, इनका क्या सफर रहा। तो मिलते हैं माता जी से, तब तक के लिए बने रहें वीडियो पे। माता जय माई की जय माता। आदेश जी, आदेश। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगी अन्नपूर्णनाथ। अन्नपूर्णनाथ आपका नाम है। आप अघोर पंथ में आए, इससे पहले आप बाहर थे, अपने इंडिया से बाहर थे, तो आपको कैसे विचार आया कि इसमें आना चाहिए? And Dr. Ramnath Aghori is also part of the Pant Mateshwari. So there is no half Aghori Pant. Have the level of the Diksha, level of the way of the Nath is the Ogur, Ogur Pir. This way is practicing Aghor Kriya, but आपने इनके साथ में अघोर क्रियाएं सीखी हैं अभी तक? हमारे नाथ को सीखने की जरूरत नहीं जी। इनका जो परिवार है, हमारे नाथ संप्रदाय में 12 पंथ होते हैं, जैसे एक जाति के सारे बिरादरी होते हैं, उसी तरह नाथ संप्रदाय के 12 पंथ होते हैं। इस धरती पे 4 संप्रदाय हैं, नाथ संप्रदाय, सन्यासी, निर्वाण, वैष्णव, यह 4 संप्रदाय हैं। इन चारों संप्रदाय में एक संप्रदाय नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में 12 पंथ हैं, 12 पंथ में एक पंथ होता है नटेश्वरी पंथ, जो पूजा और भंडार इनके लिए चिन्हित हो, तो यही अघोर क्रिया। अच्छा, ये पहले से ही चिन्हित है।
I want to say maybe more simple words for the people. Nat Sampradaya, to become nat is not so easy because a lot of strict rules. It's very hard and strict life of tapasvi. When you give your body for the god and you are not yourself anymore, you are only this. You are giving whatever you got from Prakriti, you are giving to the Paramatma. It's very strict rules inside. Inside 12 punk have the punk who is more democratic. You understand democratic? And Nateshwari is more democratic. सभी दर्शकों को बता दो हिंदी थोड़ा सा कम बोल पा रही है तो महाराज जी हैं साथ में समझाने के लिए बने रहे सबको समझाया जाएगा इन्होंने क्या बोला अभी तक जी जी महाराज जी आप बताइए इन्होंने अभी तक जो बताया है वो एक बार दर्शक को बताया क्या से है मैंने अभी सुनाई नहीं उन्होंने क्या बोला मैं थोड़ा मोबाइल में बिजी हूं हां एक बार समझिए क्योंकि दर्शक भी आपका इंतजार कर रहे हैं जी दोबारा बोलिए वन मोर टाइम I want to say that in only Nateshwari Pant from all 12 Pant of the Nat Sampradaya is the famous for the Agori, is the famous for the tantric kriya, tantric duty, because Tantra is the very near to Dharti, to the earth. And Tantra is more democratic. You understand? Yeah. It's more democratic. It's accept this path, accept the students, followers, and give the diksha for the foreigners. Not everywhere this is possible in India. It's not so easy to get diksha for the foreigners. थोड़ा सा हिंदी समझने की कोशिश करेंगे महाराज जी महाराज आदेश माता जी का क्या नाम है नाथ संप्रदाय में 12 पंथ है जो नटेश्वरी पंथ है वो नाथ संप्रदाय की जो अघोर क्रिया है वो सिर्फ नटेश्वरी परिवार का तो वो इस परिवार से बिलोंग करती है वो इनकी क्रिया है आज से कई समय पहले डॉक्टर रामनाथ गुरु बहुत ही माने जाने डॉक्टर रामनाथ गुरु उनके परिवार से और तंत्र एक ऐसी विद्या लोग सोचते हैं कि नाच संप्रदाय में शामिल हो जाना चाहे नाच जी बनना इतना आसान है कोई आसान बहुत ही सख्त मर्यादा है नाच संप्रदाय की बहुत ही कठिन मर्यादा इतनी कठिन मर्यादा है कि जैसे कि तलवार के धार के ऊपर चलना होता है इतनी कठिन मर्यादा है नाच जी की हमारे नाच संप्रदाय की आदि अनादि से यह क्रिया चली आ रही है और इस क्रिया को हमारे संत महात्मा करते हैं जैसे अग्नि तपस्या हो गया जलधारा तपस्या हो गया ऊर्ध्वबाहु तपस्या हो गया जल समाधि तपस्या हो गया अनेकों तपस्याएं पड़ी है जो कि आज से कई समय पहले अपने संत महात्मा सिद्ध पुरुष तपस्या करते आए और उसी क्रिया को आज भी हमारे संत महात्मा कर रहे हैं हाँ उसी क्रिया को आज भी लागू कर रहे हैं जो गुरु पीरों के चरणों में सेवा किया जो गुरु पीरों के चरणों में सेवा किया वो पार है सेवा ही सबसे बड़ी चीज है बड़ी चीज हमारे गुरु पीर क्या कहते हैं हमारे नाथ जी के घर में सर्वप्रथम सिखाया जाता है बेटा सेवा क्योंकि यदि तुम सेवा करोगे तो वह सबसे बड़ी चीज है वो आने वाले कई पीढ़ी तक वो याद रखेगा और वो भी कहीं उस चीज से ज्ञान लेगा कि हम उनकी लाइन में आगे बढ़ते हुए उनका एक आदेश को पूरा कर हाँ उन्हीं के आदेश को हम पूरा लेकर के चल रहे हैं और हमारी यही सोच रहती है कि जहाँ तक हम गुरु महाराज गोरक्षनाथ जी की कृपा से हम लोगों को भंडारा दे सके सेवा कर सके जितना हमारे से बन सके लोगों का मान सम्मान बना रहे हमारे जो सनातन धर्म है हमारे सनातन धर्म को यदि कोई देश विदेश से आकर के अपनाता है तो हमें उसको बढ़ावा देने का बहुत अच्छा लगता है हमें उसे बढ़ावा देने का काम है ये ना कि हम उसे जलील करें सही बात
बहुत अच्छी बात बताइए महाराज जी, जितने लोगों ने ये वीडियो देखा है शायद सनातन धर्म को लेके वो कहीं ना कहीं जागरूक होंगे और समझ में आया होगा कि सनातन धर्म में इतना जो पावर है, जो ताकत है, वो क्यों है, क्या है ऐसा अपना सनातन धर्म जो कि अपने इंडिया में तो है ही है, इंडिया से बाहर भी है, हर जगह सनातन धर्म देखने को मिलता है, क्योंकि सभी एक ही जगह अलग नहीं है कोई भी, तो ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। आप वीडियो को कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई सवाल रह रहा हो कमेंट करके जरूर हमें बताएं। जब भी नेक्स्ट टाइम महाराज जी से मिलेंगे, इनके धुनी पे आएंगे, तो वो सवाल आपका पूरा किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय माता।